नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी नैऋत्य डायरेक्शन के बारे में। नैऋत्य जो है वो पश्चिम और दक्षिण के बीच में आता है, उसको नैऋत्य कहा जाता है, इसको साउथ वेस्ट कहते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। इसका आपके लाइफ के फाइनेंस रिलेटेड, आपके जो इम्प्रूवमेंट्स है उनके रिलेटेड ये डायरेक्शन होती है, आपकी स्टेबिलिटी के रिलेटेड होती है। आपका जो प्लॉट होता है एम्प्टी प्लॉट, वहाँ से लेके इसका इम्पोर्टेंस चालू होता है कि प्लॉट का स्लोप किस तरफ है। जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है वह ऊंचा होना चाहिए आपके प्लॉट में और आपके घर में भी, ना कि उधर स्लोप हो। आपके कंस्ट्रक्शन का मटेरियल किस तरफ रखना है तो साउथ वेस्ट में, ये सब चीज़ें हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं साउथ वेस्ट के वास्तु दोष, उनके आपके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और उनके कुछ सरल उपाय जो कि आप घर पे कर सकते हो। और सबसे आखिरी में, वीडियो के आखिरी में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें, अगर ये चीज़ें करते हैं तो आपको इस कॉर्नर में, नैऋत्य कॉर्नर में पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। आपको बस यहाँ पे कुछ चीज़ें रखनी है, कुछ सरल उपाय है। तो हम स्टार्ट करते हैं वास्तु दोष क्या क्या है साउथ वेस्ट में उससे। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। साउथ वेस्ट वास्तु दोष और उनके कुछ रेमिडीज। साउथ वेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। यहाँ पर राहु ग्रह का प्रभाव होता है। राहु जो है वो ह्यूमन लाइफ में लक, फाइनेंस, हेल्थ, स्टेबिलिटी, इनके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं या जो भी अच्छे फल आपको इनके रिलेटेड मिलते हैं तो वह राहु ग्रह के प्रभाव में मिलते हैं। अगर इस राहु ग्रह का जो घर में आपके एनर्जी का स्थान है उसमें अगर दोष आया है तो ये आपके लाइफ पे ज़रूर इम्पैक्ट करेगा। तो ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, आपको क्या प्रॉब्लम्स आएंगे और कौन से दोष है ये हम देखते हैं। साउथ वेस्ट वास्तु दोषों की लिस्ट सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले है टॉयलेट। यहाँ पे टॉयलेट होना बहुत बड़ा वास्तु दोष है क्योंकि साउथ वेस्ट जो है इनको पितरों का डायरेक्शन कहा जाता है। यहाँ पे पितृ होते हैं ऐसा भी कहा जाता है, इसलिए घर में अगर कोई भी पितृकर्म कर रहे हो यानी कि श्राद्ध वगैरह ऐसा, तो वो घर के नैऋत्य कोण में उसकी पूजा होती है, इसलिए यहाँ पे टॉयलेट होना बहुत अशुभ माना गया है। यहाँ पे किचन यानी कि अग्नि होना ये भी अशुभ है। अगर इस डायरेक्शन में आपके घर में या प्लॉट में कट है तो ये भी एक बड़ा वास्तु दोष है। यहाँ पे कट होना मतलब कैसा, ये मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे अगर बड़ा ओपनिंग है मतलब बड़ी खिड़की है, विंडो है यहाँ पे, तो ये भी एक वास्तु दोष है। यहाँ से अगर आपका मेन एंट्रेंस है तो ये वास्तु दोष है। यहाँ पे बोरवेल या फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो इसको भी एक वास्तु दोष माना गया है। अगर यहाँ पे आपका लिविंग रूम है, मेन हॉल है, तो यहाँ पे एक वास्तु दोष माना गया है। लेकिन इसको कैसे वास्तु दोष माना गया है ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ये जो लिस्ट अभी मैंने दिखाई है वास्तु दोषों की, यहाँ पे ड्राइंग रूम जो है मतलब आपका हॉल, लिविंग रूम जो है यहाँ पे, इसको वास्तु दोष क्यों कहा गया है? एक्चुअली इसको वास्तु दोष नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर इस पार्ट में मतलब साउथ वेस्ट में आपका हॉल है तो यहाँ पे आपके घर में जब भी गेस्ट आएंगे, इस हॉल में रुकेंगे, तो यहाँ की एनर्जी स्टेबिलिटी वाली रहती है, तो ये गेस्ट को यहाँ पे स्टेबिलिटी देगा, उनको यहाँ पे अच्छा लगेगा, हैप्पी लगेगा और वो जल्दी जाने का नाम नहीं लेंगे। तो इसलिए इसको एक वास्तु दोष कहा गया है क्योंकि मेहमान अगर एक बार आएंगे तो वो जाने का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो वो बार 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 आते रहेंगे क्योंकि ये स्टेबिलिटी कॉर्नर है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर वास्तु दोष है तो उसका अपने ऊपर क्या क्या परिणाम होता है या फिर घर के स्वामी पे क्या क्या परिणाम होता है। सबसे पहले है फाइनेंशियल इश्यूज मतलब बिजनेस में लॉस होना,
कुछ अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड एक्सपेंसेस होना, पैसे ब्लॉक होना अगर आपके किधर से पैसे आना बाकी है, या किसी को आपने पैसा दिया है ऐसा कुछ है तो वो पैसे आने में हमेशा देरी होना, और अगर आपने कुछ लोन लिया है तो उसको रीपे करने में आपको बहुत हार्ड जाता हो, ऐसे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं जिससे आपको हमेशा स्ट्रेस रह सकता है। सेकेंड है हेल्थ इश्यूज, जैसे कि एक्सीडेंट्स, मोस्टली पैर के रिलेटेड इंजुरीज हो सकती है, एक्सीडेंट्स में फ्रैक्चर हो सकता है, ये पैरों के रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सोशल रेपुटेशन, मतलब रिलेशन जो है हस्बैंड वाइफ का, उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, और इसकी वजह से आपके सोशल रेपुटेशन को प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर घर में बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप से थोड़ा सा चिटिंग कर सकते हैं और उसकी वजह से सोशल रेपुटेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस प्रकार के इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, सोशल इश्यूज और फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं अगर साउथ वेस्ट में वास्तु दोष है। साउथ वेस्ट का वास्तु दोष है ये तो हमने देखे कि वो क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ है, वो रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें से कुछ रेमेडीज़ आप घर पे कर सकते हो और उसका आपको बहुत अच्छा परिणाम भी मिलेगा, आप खुद करके ट्राई कीजिए। तो ये क्या रेमेडीज़ है ये मैं आपको वास्तु दोषों अनुसार आगे बताने वाला हूँ। तो देखते हैं साउथ वेस्ट वास्तु दोष और उनके कुछ रेमेडीज़। वास्तु दोष जो है, सबसे पहला कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना, साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो ये पितरों का डायरेक्शन है, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। यहाँ पे ऊंचाई चाहिए ना कि ग्राउंड लेवल कम चाहिए। तो सबसे पहला हम रेमेडी देखते हैं कि यहाँ पे एक वास्तु पिरामिड आपको रखना है, या तो इस टाइप का वास्तु पिरामिड आप यहाँ पे रखिए या फिर ये भी वास्तु पिरामिड यहाँ पे चलेगा। तो सबसे पहला है वास्तु पिरामिड आपको टॉयलेट के आउटसाइड वॉल पे साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाना है, और हमेशा ध्यान में रखिए कि टॉयलेट का जो डोर है वो आपको ऑलवेज क्लोज रखना है। हालांकि टॉयलेट कौन सी भी डायरेक्शन में हो, टॉयलेट का डोर ऑलवेज क्लोज रखना है, ये आप ध्यान में रखिए। ये है पहला वास्तु दोष और उसके कुछ रेमेडीज जो मैंने आपको बताए हैं अगर टॉयलेट साउथ वेस्ट में है तो। अगर किचन साउथ वेस्ट में है तो इसके बारे में हम देखते हैं कि अगर साउथ वेस्ट में किचन है तो यहाँ पे गैस स्टोव जो है ये साउथ ईस्ट यानी उस रूम के आग्नेय कोण में आपको गैस स्टोव रखना है। ध्यान में रखिए आपका किचन अगर नैऋत्य कोण के रूम में है तो उस रूम के आग्नेय कोण में आपका गैस स्टोव रखिए। साउथ ईस्ट की जो रूम होती है वो एक्चुअली मतलब आग्नेय कोण की, वो किचन के रूम है। तो यहाँ पे आप कुछ अग्नि का प्रतीक रखिए, या तो दिया, या वहाँ पे अगर आप कुछ इंडक्शन या छोटी शेगड़ी वगैरह रख सकते हैं तो यहाँ पे रखिए अग्नि का प्रतीकात्मक, या फिर इस कॉर्नर में आप एक रेड कलर का बल्ब लगाइए और इसको हमेशा चालू रखिए। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। जो आपका किचन है साउथ वेस्ट में उसको आपको येलो कलर से पेंट करना है, जो साउथ वेस्ट में किचन है उसको येलो कलर से आपको उसकी दीवारें पेंट करनी है। इसके बाद में है कि यहाँ पे आप जितना कम हो सके उतना कम पानी का यूज़ कीजिए, और आपके जो बर्तन वगैरह है वो घर के बाहर जो वॉशिंग प्लेस रहेगा वहाँ पे जाके आप धोइए। यहाँ पे जो है ग्राउंड लेवल आपको बढ़ाना है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है तो यहाँ पे आप ग्राउंड लेवल जो है उसको बढ़ाइए, और इसकी वजह से आपके जो बाकी के रूम है वो थोड़े से नीचे हो जाएंगे। अगर साउथ वेस्ट ऊपर है तो ये एक पॉजिटिव यहाँ का इम्पैक्ट है, तो इसकी वजह से किचन की निगेटिविटी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो ये कुछ रेमेडीज़ है अगर किचन साउथ वेस्ट में है तो आपको, जैसे किचन को येलो कलर पेंट करना है
या फिर और क्या क्या करना है जो मैंने आपको बताया, ये किचन के रिलेटेड रेमिडीज़ है। इसके बाद में है अगर साउथ वेस्ट में कट है, अगर कट है मतलब देखिए आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये वाली है, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन कट हो गई है इस प्लॉट की, इसको कहते हैं वास्तु कट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन में साउथ वेस्ट कट हो गया है। ऐसा साउथ वेस्ट कट होना अच्छे बात नहीं है, वह एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। तो इस वास्तु दोष के लिए आपको घर के ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ इन सभी डायरेक्शन में वास्तु पिरामिड्स लगाना है। ये पिरामिड आपको हर कॉर्नर में इंस्टॉल करना है, जो कि वो एनर्जी सर्कल क्रिएट करेंगे और इस जो कट है इसकी निगेटिव इम्पैक्ट कम करेंगे। इसके बाद का वास्तु दोष है एंट्रेंस। अगर साउथ वेस्ट में मेन डोर है तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इसके लिए रेमिडी जो है, सबसे पहले स्वस्तिक त्रिशूल और ओम, ये जो है दरवाजे के दोनों साइड में, दरवाजे के टॉप के ऊपर मेन डोर पे आपको ये चिपकाना है। ये है जो मैंने दिखाया है त्रिशूल ओम स्वस्तिक का स्टिकर, ऐसा आपको बाजार में मिलेगा, ये आपको दरवाजे पे लगाना है। सिद्ध राहु यंत्र आप इस कॉर्नर में लगाइए घर के अंदर, ये है राहु यंत्र, आपको बाजार में सिद्ध राहु यंत्र भी मिलेगा, वो आपको लगाना है उसी कॉर्नर में, साउथ वेस्ट कॉर्नर में घर के अंदर जहाँ पे आपका मेन डोर है उधर। तीसरी रेमेडी है वास्तु पिरामिड। एक दूसरे के तरफ मतलब लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ ये एंट्रेंस के ऊपर ये पिरामिड आपको लगाने हैं, वास्तु पिरामिड, ये आपको इंस्टॉल करना है दरवाजे के ऊपर उसी साउथ वेस्ट कॉर्नर में। इसके बाद में है पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर। अगर ये जो तस्वीर है इसका मुंह आपको दक्षिण की तरफ करना है और ये दरवाजे के ऊपर बाहर से लगाना है। ध्यान में रखिए कि हनुमान जी का मुंह दक्षिण की तरफ होना चाहिए और दरवाजे के बाहर ऊपर के साइड में आपको ये फोटो लगाना है। तो ये कुछ रेमेडीज है जो आपको करना है अगर आपका मेन एंट्रेंस साउथ वेस्ट में है, तो इससे आपको अच्छे इफेक्ट्स मिलना चालू हो जाएगा। इसके बाद में है अंडरग्राउंड वाटर टैंक या फिर बोरवेल। अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक इस डायरेक्शन में बनाया है या फिर बोरवेल बनाया है, तो ऑब्वियस आपका ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। यहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक चाहिए, ना कि अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना बहुत बड़ा वास्तु दोष है साउथ वेस्ट में। तो इसके लिए आपको अगर सबसे पहली रेमेडी करना है तो ये है, आपको रेड कलर पेंट करना है उस टैंक के टॉप के टॉप पे, रेड कलर का पेंट देना है। ये एक टेम्पररी रेमेडी है, लेकिन ये आपको टेम्पररी ही इम्पैक्ट देगा। आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है साउथ वेस्ट का, उसको वहाँ से मूव करना है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना बहुत बड़ा वास्तु दोष है। आप रेड कलर दीजिए थोड़े दिनों के लिए, ये टेम्पररी रेमेडी है, लेकिन आपको यहाँ से अंडरग्राउंड वाटर टैंक शिफ्ट करना है ईशान कोण में, और इसके बाद में ही आपको ज़्यादा और अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलना चालू हो जाएगा। दूसरी रेमेडी है इस कॉर्नर में एक सिद्ध राहु यंत्र, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है, यह इंस्टॉल करना है आपको, यहाँ पे यह लगाना है। और तीसरी रेमेडी ये है कि पंचमुखी हनुमान जी का जो फोटो है, ये फोटो इस प्रकार लगाना है कि हनुमान जी का मुंह उस वाटर टैंक की तरफ होना चाहिए, उसके टॉप की तरफ जहाँ पे उसकी ओपनिंग है उसकी तरफ होना चाहिए, ऐसा ये फोटो आपको लगाना है। तो दोस्तों ये कुछ रेमेडीज है अगर साउथ वेस्ट में आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरवेल, ये कुछ चीज़ें हैं, तो इसके लिए ये रेमेडीज है। इसके बाद में है लार्ज ओपनिंग विंडो। अगर साउथ वेस्ट में बहुत ज़्यादा आपका पोर्शन जो है वो विंडो आपने छोड़ी है या फिर वहाँ पे गैलरी का डोर है, ऐसा कुछ है, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा।
सबसे पहले रेमेडी ये है कि ऑल द टाइम आप ये खिड़कियाँ बंद रखिए, यहाँ के दरवाजे बंद रखिए साउथ वेस्ट के जो है वो, क्योंकि यहाँ से ऑलवेज निगेटिव एनर्जी घर में एंटर करती है। अगर आपको दरवाजे खिड़कियाँ खुली रखनी है तो आप पूर्व और उत्तर दिशा की ऑलवेज ओपन रखिए, यहाँ से बहुत पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। दूसरी रेमेडी यह है कि डार्क कलर के कर्टन आप यहाँ पे लगा दीजिए, जिससे यहाँ से लाइट और जो हवा वगैरह है ये थोड़ी कम आएगी घर में। इस प्रकार लार्ज ओपनिंग हो गए तो उसकी क्या रेमेडी है ये मैंने आपको बताया है, जैसे कि डार्क कर्टन्स आपको लगाने हैं यहाँ पे। इसके बाद में वास्तु दोष है यहाँ पे ड्राइंग रूम होना साउथ वेस्ट में। जैसा मैंने पहले बताया है कि ये एक्चुअली वास्तु दोष नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जो है कि हमेशा लोग आते ही रहते हैं, अगर लोग आते हैं तो वो जल्दी जाते नहीं है क्योंकि ये स्टेबिलिटी कॉर्नर है, तो इसलिए इसको दोष माना गया है। लेकिन आपका अगर ऐसा कुछ बिजनेस है कि जिसमें लोग कंटिन्यूस आने चाहिए तो उन लोगों के लिए इसको वास्तुदोष नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद में मैं अभी आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा नैऋत्य कोण के लिए यानी साउथ वेस्ट के लिए, जिससे वहां पे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। सबसे पहले ग्राउंड लेवल जो है घर में सबसे ऊंचा नैऋत्य कोण में ग्राउंड लेवल सबसे ऊपर चाहिए, ये बहुत अच्छा एनर्जी फ्लो क्रिएट करता है पूरे घर में। ध्यान में रखिए कि साउथ वेस्ट का जो ग्राउंड लेवल है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट का जो ग्राउंड लेवल है वो सबसे नीचे होना चाहिए। इसके बाद में है सब हेवी सामान आपको इस कोण में रखना है, यानी कि साउथ वेस्ट कोण नैऋत्य कोण। जितना भी आपके घर में हेवी सामान है वो हेवी सामान हेवी मटेरियल ऑलवेज आपको रखना है जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर है, वहाँ के रूम है, वहाँ पे माला है, उसके ऊपर आपको ये सब सामान रखना है। इस कोण को जितना पॉसिबल है उतना हेवी कीजिए, इसलिए यहाँ पे स्टेप्स बनाना, जीना बनाना यहाँ पे बहुत शुभ माना गया है क्योंकि स्टेप्स बहुत हेवी होते हैं। ये बेस्ट लोकेशन है मास्टर बेड के लिए क्योंकि ये यहाँ की जो एनर्जी है वो सपोर्ट करती है लक, फाइनेंस, देन आपके प्रोग्रेस के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इन स्टेबिलिटी, इन सभी में ये एनर्जी इम्पैक्ट करती है। तो मास्टर बेड और घर का मुख्य स्वामी जो है इसने इसी कोण में रहना चाहिए, तो इसका माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा। सोते वक्त दिमाग जो है वह साउथ यानी दक्षिण में करके पैर उत्तर में करके सोना है, ये ध्यान में रखिए। इस कोण में दक्षिण दीवार पर पितरों के फोटो आप लगा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर में पितरों के फोटो हमेशा नहीं लगा कर रखना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा अटैचमेंट रहती है, वो कहते हैं कि नहीं हमेशा हमारे ये बुजुर्ग गए हैं लेकिन उनका तस्वीर हमारे सामने होना चाहिए, तो आप वो तस्वीर इस नैऋत्य कोण में दक्षिण दीवार पे लगाइए, यह अच्छा होता है। इसके अलावा आप घर में किधर भी पितरों का फोटो नहीं लगा सकते हैं। और इस कोण को हमेशा साफ रखिए, यहाँ पे बिल्कुल गंदगी मत होने दीजिए, ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो दोस्तों मैंने आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में कुछ वास्तु दोष बताए, उसके आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होंगे ये बताया है, और उसके बाद में रेमेडीज भी बताए हैं जो आप कर सकते हो, और फाइनली मैंने आपको कुछ टिप्स भी दिखाए हैं जिससे आप वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हो। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।